ओव्यूल के बारे में पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, और ओव्यूल में हमने कहा था स्पोरोजेनस टिश्यू है जो हेटरोजेनस नेचर का है, हेटरोजेनस नेचर का वहां पर है, मतलब वहां पर सभी सेल का कंपोजिशन एक जैसा नहीं है, सभी एक जैसा बिहेव नहीं करेगी वहां पर। तो इसीलिए सभी के सभी सेल्स स्पोर फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट नहीं करेगी। फिर कितनी सेल्स स्पोर फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट करती है, इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले ओव्यूल को फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। एनाट्रोपस ओव्यूल जो हमने ड्रॉ किया था पहले, वो इस तरह से होता है, चाहे आप उसको किसी भी एंगल से बनाओ, क्योंकि ओवरी की वॉल से अगर वो एनाट्रोपस ओव्यूल इधर की तरफ से है, इधर से कनेक्टेड है प्लासेंटा से, तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो अगर यहां से कनेक्टेड है तो आपको इसको इस तरह से बनाना पड़ेगा, इधर की तरफ से बनाना। इस वॉल से कनेक्टेड है, यहाँ पर होता है ऐसा सेक्शन है समझो, ठीक है। वॉक्यूल्स के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, यहाँ से है तो प्लासेंटा यहाँ पर होगा, और इसलिए ये यहाँ से इसको आपको इधर से इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हमने इस वाला भी डायग्राम देखा था ऐसा, ओके, ऐसा भी देखा था, अब हम ऐसा बना रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम किसी भी तरह से एनाट्रोपस ओव्यूल को यहाँ पर इस एंगल से बना सकते हैं ऐसा दिखने के लिए। ऐसा नहीं कोई हमेशा एक फिक्स ही रहता है कि ऐसा ही तो ऐसा ही बनाना है, ऐसा भी हो सकता है उसी ओवल में एनाट्रोपस ओवल, ऐसा भी हो सकता है वो किस वॉल से जुड़ा हुआ है, कहाँ से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके बेसिस, क्योंकि उनका पर्टिकुलर साइज शेप मैटर करता है, उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, मतलब यहाँ पर उसका इनवर्ट फॉर्म, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट किया है वो मैटर नहीं करता, कि पोजीशन मैटर करती है। जो हम सिक्स टाइप के ओवल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऑर्थोट्रोपस, हेमी ऑर्थोट्रोपस और हेमीट्रोपस, एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस, ये जो सिक्स टाइप के ओवल्स हैं, जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा शॉर्ट में वहां पर, क्योंकि मैंने कहा था कि सीबीएसई बोर्ड के लिए ये कभी कभार आ जाता है और कुछ नीट के एग्जाम में भी ये आने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमको उसको पढ़ना है। जो भी हमारे नीट के एग्जाम में आ सकता है उसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। जो आपकी बोर्ड में आ सकता है, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे कुछ काम का ही नहीं है, ठीक है, उसको बर्डन को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जितना आपको क्लासरूम में, जितना एनसीईआरटी और जितना स्टेट बोर्ड की बुक में है, वो सभी कंपल्सरी पार्ट है आपके लिए, इसलिए आपको तीनों को अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। कोई भी डिफिकल्टी हो तो क्लास शुरू होते से आपको पूछना चाहिए। स्टॉक ऑफ ओव्यूल, फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस, हाइलम और ये बॉडी ऑफ ओव्यूल स्टार्ट हो चुके हैं हाइलम के बाद। इंटेगमेंट, ओके, इंटेगमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये आउटर इंटेगमेंट और ये इनर इंटेगमेंट, सेकंड वाली इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंट, ओके। ये हो जाएगा माइक्रोपाइप, इसलिए ओव्यूल का ये हो जाएगा माइक्रोपाइलर एंड, ओके। किसी का माइक ऑन रह गया शायद, प्लीज बंद कर दीजिए। हो गया शायद, अदनान कुरैशी का माइक कनेक्टेड ही नहीं है, इसलिए ध्यान रखना बेटा, अगर आपको कुछ डाउट पूछना हो तो आप, या कम्युनिकेट करना हो तो आप नहीं कर पाएंगे। ओके, माइक्रोपाइल, इसलिए ओव्यूल का ये माइक्रोपाइलर एंड, इधर माइक्रोपाइल है वो माइक्रोपाइलर एंड, उसके ठीक अपोजिट में जो एंड है वहां पर, इसको हम बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं चैलेंजा
देयरफॉर ओव्यूल का वो एंड जो चैलेजा की तरफ है उसको चैलेजल एंड बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड और चैलेजल एंड, इस तरह से दो आपको वहां पर एंड ओव्यूल में रिप्रेजेंट करना पड़ते हैं। अब इंटेगमेंट कवर करती है स्पोरोजिनस टिश्यू जिसको हमने कहा था न्यूसालस, यहां पर न्यूसालस भरा पड़ा है, टिश्यू है इसलिए मेनी सेल्स होगी, ओरिजिन तो सेम है लेकिन सभी एक जैसा फंक्शन नहीं कर पा रहे। ओके, तो साइज शेप में भी थोड़ी सी वरी कर रही है, और सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल सेल्स का फंक्शन एक जैसा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, ये फूड लेडन टिश्यू है न्यूसालस। न्यूसालस फूड लैडन टिश्यू है, खाने से भरा पड़ा हुआ टिश्यू है, और ये हेटरोजिनस स्पोरोजिनस टिश्यू है, मतलब स्पोर बनाने में तो पार्टिसिपेट करेगा, स्पोरोजिनस मतलब स्पोर बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, बट सभी सेल्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो कितनी सेल पार्टिसिपेट करेगी, ओनली टर्माइनल माइक्रोपाइलर सेल, ओके, मतलब माइक्रोपाइलर एंड की टर्माइनल सेल, मतलब एंड वाली सेल, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से सबसे टर्माइनल कौन सी, ये है, तो ये जो माइक्रोपाइलर एंड की सेल है ये स्पेशल सेल्स अपनी एडजेसेंट सेल से, नेबरिंग सेल से, नेबरिंग न्यूसेलस की सेल से न्यूट्रिशन लेगी, और न्यूट्रिशन लेकर की ये बड़ी हो जाएगी, इनका न्यूट्रिशन लेती जा रही है, ये बड़ी हो गई, ठीक है। जैसे ये इस तरह से न्यूट्रिशन ले लेगी अपनी एडजेसेंट न्यूसेलर सेल से, ओके, उसकी नको पहले सिस्टर सेल्स थे, लेकिन अब न्यूट्रिशन लेकर की ये बहुत बड़ी हो गई है, और अब इसका मास बढ़ चुका है, प्रोटोप्लाज्म बढ़ चुका है, तो देन अब ये डिविजन के लिए जाएगी, ये डिवीजन के लिए जाएगी, और जब ये डिवीजन के लिए जाएगी तब हम इसको बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल। तो पूरे ओव्यूल में, ओके, तो पूरे ओव्यूल में यूजुअली, ओके, मतलब जनरली एक ही सेल होती है मेगास्पोर मदर सेल, विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, ओके, टर्माइनल माइक्रोपाइलर सेल मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होती है न्यूसेलस की सेल, न्यूसेलस की सेल, लेकिन अकेली न्यूसेलस की सेल बड़ी हो गई, ओके, न्यूट्रिशन लेती जा रही है और इधर की सेल्स को डिस्ट्रॉय करती जाएगी, खत्म होती जाएगी, वो डिजनरेट होती जाएगी, ओके, इस तरह से वो बड़ी बन जाएगी, और इसको हम बोल रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल, MMC यहाँ पर। तो जब हम एब्री यूज करते तब थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल के लिए भी MMC टर्म यूज की थी, ओके, तो एंथर में बोला जा रहा है तो आप MMC का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल कंसिडर करोगे, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस की सेल बोली जा रही है तो आप वहां पर मेगास्पोर मदर सेल कंसिडर करोगे, ओके, ये ध्यान रखना। और अगर PMC बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पोलन मदर सेल, मतलब अल्टीमेटली वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है। तो मेगास्पोर मदर सेल सिंगल सेल होती है न्यूसेलस की, जो माइक्रोपाइलर एंड में टर्माइनल पोजीशन में है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको बोल भी दिया जाए कि न्यूसेलस की 1000 सेल्स है, ओके, तो कितने मेगास्पोर बनेंगे, तो आपको मेगास्पोर जेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल का नंबर पहले तो देखना है, मेगास्पोर जेनेसिस हम लेटर पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आपको कितनी मेगास्पोर मदर सेल पार्टिसिपेट करेगी डिवीजन में, तो आपको सिंगल कंसीडर करना, ओके,
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम पर हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल जितनी एक माइक्रोस्पोरेंजियम में जितनी सेल है सभी को हमने कहा था माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि वो सभी डिविजिबल होती है। यहाँ पर एक ही सिंगल ही डिविजिबल है, मेगास्पोर मदर सेल। जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी एडजेसेंट सेल का न्यूट्रिशन लेती जाएगी और एडजेसेंट सेल्स डिजनरेट करती जाएगी, खत्म होती जाएगी वो सेल्स। ओके, तो अब यहाँ पर टर्म शुरू होती है फिर मेगास्पोर मदर सेल। अगर आपको पता है तो हम नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन मेगास्पोर प्रोसेस इन विच मेगास्पोर्स मेगास्पोर और स्पोर्स डिपेंड करेगा हम आगे पढ़ेंगे इज प्रोड्यूस्ड इज और आर प्रोड्यूस्ड when megaspore mother cell undergoes meiosis division. तो megaspore mother cell में meiosis division होगा तो megaspore बन। नाम से क्लियर है megaspore mother cell मतलब वो megaspore बनाने वाली सेल है। ये है मेगास्पोर मदर सेल। ये हमने ले ली मेगास्पोर मदर सेल एमएमएस। ओके, इसमें मियोसिस होने वाला है मतलब ये हैप्लॉइड तो होगी नहीं क्योंकि किसी भी हैप्लॉइड सेल में मियोसिस डिवीजन नहीं होता। फिर प्लांट की मोस्ट ऑफ द सेल डिप्लॉइड होती है इसलिए ये भी क्या होगी डिप्लॉइड। अब इसमें मियोसिस डिवीजन मतलब रिडक्शनल डिवीजन चलने वाला है। कितनी डॉटर सेल बनना चाहिए बेटा? फोर। तो बनती भी है फोर पहले, वन टू थ्री फोर, मतलब ये न्यूट्रिशन लेती जाएगी और डिवीजन करके यहाँ पर नई सेल्स बनाएगी। ओके, यहाँ पर फोर सेल्स बनेगी, वन टू, वन थी वो टू में डिवाइड हो गई पहले दो बन गई। ओके, फिर दोनों टू फिर से पैरेंट सेल्स दोनों डिवाइड हो गए और टू से टोटल नंबर हो गया फोर। ओके, किधर की तरफ ग्रो करती जा रही है चेन, किधर की तरफ बनती जा रही है नई सेल, किधर की तरफ ऐड होती जा रही है, कौन से एंड की तरफ? चैलेजल एंड की तरफ। ओके, माइक्रोपाइल के एंड पर तो अकेली मेगास्पोर मदर सेल थी पहले, फिर डिवीजन हुई तो आगे उसने दो सेल बनाई तो माइक्रोपाइल एंड पर तो एक है ही वैसे ही और एक और उसके आगे जुड़ गई मतलब चैलेजल की तरफ चली गई। फिर टू से फोर बनी तो फोर की जो चेन बनी तो आगे बढ़ती जा रही है तो चैलेजल की तरफ बढ़ती जा रही मतलब। ओके, तो ये हो गई चैलेजल एंड की तरफ वाली ये सेल और ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाली सेल यहाँ पर। ओके, तो अब आपको एक टर्म याद रखना है कि चैलेजल एंड वाली सेल कौन कौन सी है। तो जब आप माइक्रोपाइल की तरफ से बोलोगे, ये अगर हमने माइक्रोपाइल वाली बता दी कि एम मतलब माइक्रोपाइल और सी मतलब यहाँ पर चैलेजल, ये ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, ये चैलेजल एंड की तरफ है, ये सी और ये एम। ओके, ये ध्यान रखो। अब क्या होता है, ये बन गया लीनियर टेट्राड। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम पर ग्लोबुलर टेट्राड बना था, कैलोज ने कवर करके रखा था और कैलोज शुगर को फिर कैलेज एंजाइम से ब्रेक करके चार माइक्रोस्पोर इंडिविजुअली सेपरेट हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कैलोज नहीं है पहली बार, ठीक है, ये लीनियरली अरेंज हुए हैं एक दूसरे के साथ एक लाइन में लीनियरली, तो लीनियर टेट्राड बनता है पहले।
आपके ध्यान रखना माइक्रोस्पोरजेनेसिस के टाइम पर माइक्रोस्पोर का ग्लोबुलर टेट्राड बना था, वहीं मेगास्पोर जब बनते हैं चार तो उनका लीनियर टेट्राड बनता है। और ये जो लीनियर टेट्राड है अभी सेपरेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि इसमें से जो टर्माइनल थ्री वाली है अब एक को ही खाना बचता है आगे के एंड से, यही अब्सॉर्ब कर सकती है, इसके कॉन्टेक्ट में सेल्स है, इनके कॉन्टेक्ट वाली सेल गायब हो चुकी है, डिजनरेट हो चुकी है, डिवीजन के टाइम पर न्यूट्रिशन दे चुकी है, तो इनको खाना नहीं मिलेगा। खाना केवल किसके लिए अवेलेबल है, इस चैलेंजर एंड वाले जो पहले जो एंड पर आ गई, अब यहाँ पर चैलेंजर की तरफ है, उसके पास में अवेलेबल है न्यूसेलस, इसलिए बाकी सबको खाना नहीं मिलने से वो डिजनरेट हो जाएगी। ओके, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो डिजनरेट हो जाएगी, और डिजनरेट हो गई तो बस ओनली कौन सी बची, एक्टिव चैलेंजर एंड वाली बढ़ती जाएगी, सभी डिजनरेट होती जाएगी और ये बढ़ती जाएगी, ये बड़ी हो गई न्यूट्रिशन लेकर के। क्या बेटा कुछ बोल रहे हो, किसी का माइक ऑन हुआ था, क्या पूछना है बेटा? तो ये चैलेंजर एंड वाली अकेली फंक्शनल बचेगी, इसको हम बोलेंगे फंक्शनल मेगा स्पोर, मतलब ये एक्चुअल में मेगा स्पोर बन गया और ये डीजनरेट हो गई, थ्री सेल्स डीजनरेट हो जाती है। ओके, लेटर थ्री सेल्स जो है वो डीजनरेट हो जाएगी, they becomes degenerated, और degeneration से फिर अब ये active नहीं बची, inactive हो गई, non-functional हो गई, degenerated और non-functional। तो अकेला एक ही functional megaspore बचा है, मतलब ये अकेला यहाँ पर क्या है, and N था ये, अभी अकेला N बना है, अच्छा एप्राइव सेल, इसलिए एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनता है एक MMC से, ये ध्यान रखना, one MMC lead to, ये ध्यान रखना, one मेगास्पोर मदर सेल lead to one फंक्शनल मेगास्पोर via reductional division meiosis, okay, while one microspore mother cell lead to four microspores via single meiosis division, तो वहां पर microspore बनते समय एक MMC से four microspore बन रहे थे एक ही reductional division में meiosis में, यहां पर single MMC megaspore mother cell से एक single megaspore बनता है। ओके, ध्यान रखना है आपको, एक मियोसिस डिवीजन से फोर सेल बनी थी लेकिन उसमें से एक ही फंक्शनल बची। ओके, तो लेटर क्या हो जाएगा, बस फंक्शन जो स्टार्टिंग जो चैलेंजर की तरफ वाली वो फंक्शनल हो जाएगी और बाकी तीनों डिजनरेट हो जाएगा। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर हाँ सर, जब माइक्रोस्पोर्स जब मतलब एमएमसी से जब मियोसिस में माइक्रोस्पोर चार में डिवाइड हुए थे, चार माइक्रोस्पोर्स में एमएमसी चार माइक्रोस्पोर में हुई थी, तो उसको वो कैलोस शुगर ने सराउंड किया था, तो इसको कुछ सराउंड करता है? नहीं बेटा, यहाँ पर नहीं रहता, यहाँ पर कोई कवरिंग नहीं है, इसलिए ये सीधी लीनियरली अरेंज हो जाती है। ओके सर, टेट्राड नहीं बना पाती। स्क्रीनशॉट हो गए बेटा? यस सर।
ओनली इंदोरा ब्रांच से आर्या की आवाज आई है, बाकी किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। डन सर। ओके डन सर। मानकापुर ब्रांच में डन सर। ओके ये तो हो गया कि एक एमएमसी से एक मेगा स्कोर बनेगा। अब ये मेगा स्कोर लीड करेगा आगे एम्ब्रियो सैक बनने के लिए, क्योंकि ड्यूसेलस यहाँ से यूज होता जाएगा और ये जो सिंगल मेगा स्कोर है ना वो ये डीजनरेट हो जाएंगे बाकी तीनों। मेगास्पोर साइज में बढ़ेगा न्यूट्रिशन लेकर के फंक्शन मेगास्पोर, बाकी ये डीजनरेट होते जाएंगे और इसका डिवीजन आगे फर्दर होगा और ये बनाएगा सिंगल मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक। ओके तो वन मेगास्पोर लीड टू एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन। फिर उससे हम यहाँ पर 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड दिखाते हैं न्यूसेलस का एम्ब्रियो सैक वाला स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लिखो फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन है जिसमें मेल गैमेट होगा और फीमेल गैमेटोफाइट जिसमें फीमेल गैमेट होगा वो है एम्ब्रियो सैक। तो सैक सैक मतलब बैगलाइन स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो सैक मतलब ऐसा बैगलाइन स्ट्रक्चर जिसमें फ्यूचर में एम्ब्रियो बनने वाला है, एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस शुरू होने वाला है, इसलिए इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इसी के अंदर होगा और जायगोट जायगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। वहां एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट सिंगल फंक्शनल सिंगल चैलेंजर फंक्शनल मेगास्पोर, वन फंक्शनल मेगास्पोर लीड टू एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन लीड टू एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन विच इज 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। रिक्वायर्स mitosis. How many mitosis divisions will be required for the embryo sac formation from a single megaspore? बताओ कितना आंसर होगा? 2 नंबर ऑफ माइटोसिस डिविजन। कैसे किया बेटा 2 कैसे आंसर आया बताओ जरा। सर एक मेगा स्पोर है उसमें एक मियोसिस होगा
फिर वेजिटेटिव जनरेटिव सेल बनेगी वन माइटोसिस से, तो फिर उसके बाद मेगास्पोर, पहले मुझे ये बताओ मेगास्पोर हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड है। तो हमने कितनी बार बोला 11 से लेकर अभी तक इस चैप्टर में भी कि हैप्लॉइड सेल में कभी मियोसिस नहीं होता, इसलिए तो मैंने वहां पर लिखा है रिक्वायर्ड डैश 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 माइटोसिस डिवीजन। मियोसिस लिखा ही नहीं मैंने। जब हैप्लॉइड सेल है तो किसी भी हैप्लॉइड सेल में मियोसिस डिवीजन होगा ही नहीं, ये हम एक्सप्लेन बहुत सारे चैप्टर्स में कर चुके हैं, 11th में और 12th में भी बोला है आपको कि ये स्टेटमेंट को याद रखो, ठीक है? वहां पर समझा दिया था 11th में, अभी ध्यान रखो, कभी भी किसी भी हैप्लॉइड सेल में मियोसिस हो ही नहीं सकता, ये रूल है, कोई एक्सेप्शन नहीं इसके लिए। थंब रूल समझ लो इसको। बोलो बेटा, कोई भी नहीं, एक फंक्शनल मेगास्पोर सेल है, फंक्शनल मेगास्पोर है, उससे एम्ब्रियो सेक बनने में कितने माइटोसिस डिवीजन लगेंगे? सेवन। सेवन करके देखो, तो एक फंक्शनल मेगास्पोर में सेवन डिवीजन। मैंने हमेशा बोला आप पेन कॉपी चलाओ, देखो वहां पर डिवीजन करके, थ्री 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 कैसे बेटा? थ्री आंसर क्यों आया आपका? थ्री आंसर कैसे आया बेटा आपका? करेक्ट है, लेकिन कैसे आया बताओ आप, मैंने बोल दिया करेक्ट है। तो पहले माइटोसिस से दो न्यूक्लियर बनेंगे और फिर दूसरे माइटोसिस से और दो बनेंगे, फिर उससे उसके सामने और एक माइटोसिस होगा तो उससे और दो न्यूक्लियर बनेंगे, तो एक दो तीन चार पाँच छः, छह ही न्यूक्लियर हुए आपके अकॉर्डिंग? तो नहीं, दिशा अदिति आचल मानसी कोई आंसर देगा? जिक्रा जारा तनुश्री माइटोसिस डिवीजन, पहले इसमें दो बनेंगे, सेकंड इसमें चार और तीसरे इसमें आठ। यस सर। तो हमें टोटल न्यूक्लियाई कितने चाहिए थे? एट। पल्लवी तुमने टू से फोर तो बना दिए फर्स्ट में डिवीजन, वहां पर वन से टू, टू से फोर, लेकिन फोर से सिक्स बना दिए तुमने, फोर से एट बनते हैं बेटा, तो थ्री माइटोसिस डिवीजन इट विल रिक्वायर। अब थ्री माइटोसिस डिवीजन होंगे तो एट न्यूक्लियाई होंगे, लेकिन वहां पर एट सेल नहीं दिखाना है हमें, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एट सेल क्यों नहीं है, सेवन सेल ही क्यों है, ओके? क्या रीजन है वहां पर? ये हम डिस्कस करेंगे फिर। ये टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक होता है, ओके? तो एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियो सैक का कैरेक्टर होता है कि उसमें सेवन सेल्स होती है और एट न्यूक्लियाई होते हैं। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये मेगास्पोर सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, ये पहला माइटोसिस डिवीजन करेगा,
बनेगा माइटोसिस डिवीजन करके। अब यहाँ पर जो माइटोसिस डिवीजन होने वाले हैं ओके, तो पहले माइटोसिस डिवीजन होंगे उनमें ये एमाइटोसिस जैसा होगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा ओनली थ्री न्यूक्लियर डिविजन होंगे ओके, मतलब कैरियोकाइनेसिस होगा बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, क्लियर, ये ध्यान रखना। तो जो माइटोसिस डिवीजन होंगे वो फर्स्ट क्या होंगे, थ्री न्यूक्लियर डिविजन, फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स ओके, थ्री न्यूक्लियर डिविजन। तो माइटोसिस में मैं यहां पर लिख रहा हूं एफ एंड डी, आप ये मत समझना फाउंडेशन, ठीक है, आपकी बैच जब 11th में थी तब आपके बैच का नाम था ना एफ एंड डी फाउंडेशन, तो शायद एफडीएन लिखा हुआ था शायद आपकी बैच का नाम, छोड़ो उसको, फ्री न्यूक्लियर डिविजन ओके, फ्री न्यूक्लियर डिविजन, ये यहां पर फ्री न्यूक्लियर डिविजन का मतलब, फ्री न्यूक्लियर डिविजन का मतलब होगा कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस ओके, ये फ्री न्यूक्लियर डिविजन का मीनिंग। मतलब कैरियोकाइनेसिस होगी लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, कैरियोकाइनेसिस, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, एक से दो न्यूक्लियर बन जाएंगे लेकिन सेल एक से दो नहीं हो पाएगी। तो माइटोसिस डिवीजन हुआ, फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन में एक से दो न्यूक्लियर बन गए, एक इस पोल पर चला गया, ये दूसरा दूसरे पोल पर चला गया, साइटोप्लाज्म भी आ गया लेकिन सेल का डिवीजन नहीं हुआ ओके, सेल का डिवीजन नहीं हुआ, ये दोनों न्यूक्लियस दो अलग अलग पोल पर है लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पर प्लांट है तो प्लांट की सेल वॉल भी यहाँ पर नहीं बन पाई अंदर की तरफ, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ जिससे एक से दो सेल नहीं बने, तो अभी भी सिंगल सेल है लेकिन टू न्यूक्लिएटेड, तो ये हो गई बाय न्यूक्लिएटेड सेल। पहले डिविजन से एक ही सेल बनी है लेकिन उसमें दो न्यूक्लियाई है। अब कौन आ रहा है, तन्मय ओके। फिर सेकंड डिविजन हुआ, ये हो गया फर्स्ट माइटोसिस, पहली बार माइटोसिस डिविजन हो गया, हमने कहा तीन माइटोसिस डिविजन लिखा है। सेकंड माइटोसिस डिविजन, तो इसमें एन था, ये एन है हैप्लॉइड है, ये भी एन एन होंगे, दो न्यूक्लियाई बने हैं हैप्लॉइड होंगे। फिर इससे अब आगे सेकंड माइटोसिस से, अगेन सेकंड माइटोसिस भी कैसा होगा, तीनों माइटोसिस डिवीजन में पहले हो जाएगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इसमें भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, तो सेल का डिवीजन नहीं करना है लेकिन न्यूक्लियाई का डिवीजन, ये वन ये टू, ये दो पोलर न्यूक्लिया इस पोल पर हो गए, इस पोल पर ये दो न्यूक्लिया, सेल यहाँ पर, तो सेल का साइज वहां पर बढ़ाते जाना है आपको, ये ध्यान रखना है क्योंकि साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है साथ में लेकिन वो डिवाइड नहीं हो पा रही है, तो सेल का साइज बढ़ता जाएगा डिविजन के साथ साथ। तो अब ये होगी टेट्रा न्यूक्लियेटेड सेल ओके, ये हो जाएगी टेट्रा न्यूक्लियेटेड सेल, फोर न्यूक्लियेटेड सेल। सिंगल सेल है, फोर न्यूक्लिया है और सभी न्यूक्लिया है हैप्लॉइड। अब थर्ड माइटोसिस डिवीजन होगा,
अगेन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो पहले तीनों माइटोसिस डिवीजन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएंगे, पहले कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा और फिर फाइनली साइटोकाइनेसिस होगा। पहले थर्ड वाला भी हम यहाँ पर 4 से 8 बन जाएंगे, सेल का साइज और फर्दर बड़ा हो जाएगा साइटोकाइन गेन करके। 4 न्यूक्लियाई 1 2 3 4 4 न्यूक्लियाई यहाँ पर है, 4 न्यूक्लियाई यहाँ पर 4 से 8 बन जाएंगे। 4 4 दोनों पोल्स पर है। ओके अब होगी अरेंजमेंट वहां पर न्यूक्लियाई की और रीअरेंजमेंट होगी और वहां पर साइटोप्लाज्म भी हाफ हाफ डिवाइड होगा, सब में जो है पर्टिकुलर वहां पर इक्वली डिवाइडेड होगा और अब होगा साइटोकाइनेसिस। फाइनली यहां पर अब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने लग जाएगी। तो साइटोकाइनेसिस होते समय अब यहां पर लोअर एंड दिख रहा है क्या बेटा, मेरे फिंगर के पास भी लोअर एंड दिख रहा है आपको? नो सर। नहीं, ठीक है, ऊपर बनाता हूँ थोड़ा सा। ये भी शायद ना दिखे आपको, थोड़ा स्क्रीन क्लीन बनाना पड़ेगा। अब दिख रहा है? अब 8 न्यूक्लियाई इनकी अरेंजमेंट शुरू हो जाती है। अब आपको देखना है ये सिंगल था तो सेंटर में था, ओके? अब ये दो हुए तो दो पोल, तो दो पोल हम किसको बोलते हैं, एक तो माइक्रोपाइलर एंड वाले को और एक चैलेजल एंड वाले को। ये तो चैलेजल एंड की सेल थी, अब चैलेजल एंड की सेल में बड़ी होकर के एक में चैलेजल एंड होगा और एक में क्या होगा, माइक्रोपाइलर एंड होगा। तो एक ये चैलेजल पोल, ये पोल चैलेजा वाला और ये पोल माइक्रोपाइल वाला पोल, दो पोल दो एंड है, ठीक है? इसमें भी एक चैलेजा वाला और ये माइक्रोपाइल वाला, ये चैलेजा वाला ये माइक्रोपाइल वाला। तो इधर वाला हम चैलेजल एंड बताएंगे और इधर माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे पोल को। तो 4 में से 3 चैलेजल एंड वाले एक साथ में अरेंज हो जाएंगे, ओके? ये 4 है, अमंग दिस 4 एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, ओके? और इनके आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल बन जाती है। 1 2 एंड 3 ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बन गई इनकी तीनों की, ओके? और इनके चारों तरफ सेल वॉल भी बन जाएगी। ये 3 सेल्स बन गई यहाँ पर साइटोकाइनेसिस, ओके? ये चैलेजल एंड वाली 3 जो सेल्स है, इन तीनों सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, ओके? ये तीनों क्या है, इनका नाम लिखते हम एंटीपोडल सेल्स। तो 3 सेल्स है, 1 2 3 3 सेल्स है एंटीपोडल सेल्स चैलेंजर एंड वाला। एक जो बचा न्यूक्लियस पोल की तरफ वाला, चैलेंजर पोल की तरफ वाला, वो सेंटर में आ जाता है, ओके? सेंटर में आ गए, ओके? या तो इधर का ये 4 का अरेंजमेंट क्लियर है, 3 एंटीपोडल सेल्स बन गई और एक सेंटर में आ गए। इसी तरह से इन चारों में से भी एक सेंटर में आ जाएगा इधर,
करने की कोशिश करो, वो लाइट हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पर सेंटर में आ गए हैं दोनों पोल्स। टू न्यूक्लियर यहाँ पर बाकी के तीन यहाँ पर जो है उनमें से दो न्यूक्लियर पोल पर ही है, उनके चारों तरफ सेल वॉल बन जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। और जो थर्ड वाला है वो इसके कनेक्शन में होगा और ये फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस बन जाएगा, फीमेल गैमेट बन जाएगा यहाँ पर, ये फीमेल गैमेट। एक सेल या ओवम और ये दोनों है सिनर्जिड सेल्स, टू सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स ये दोनों सेल्स है सिनर्जिड सेल्स। ओके, दो सिनर्जिड सेल्स उसके साथ में एग, इन तीनों को मिलकर के हम बोलते हैं एग एपरेटस। इन तीनों को मिलाकर के हम कहते हैं एग एपरेटस। ओके, अब ये जो बाकी बची दोनों के दोनों न्यूक्लियाई हैं, इनको एक सिंगल सेल ही सराउंड करती है। ये जो सिंगल सेल इसको सराउंड करेगी इसकी प्लाज्मा में सेल वॉल, इसको हम कहते हैं फिर सेंट्रल सेल। पूरा पार्ट के सेंट्रल सेल को रिप्रेजेंट करता है। सेंट्रल सेल, तो सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियाई होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ओके, इनको सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं क्योंकि प्राइमरीली इन पोल पर प्रेजेंट थे। ओके, प्राइमरीली ये कहां पर प्रेजेंट थे? प्राइमरीली कहां पर प्रेजेंट थे? ये पोल पर, फिर ये स्विच होकर के इनका रीअरेंजमेंट होकर के ये सेंटर में आ गए हैं, जिनको सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई ये टर्म देते हैं। इन दोनों न्यूक्लियाई को सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई ये टर्म देंगे। अब ये तो तीनों सेल्स है, इन तीनों सेल्स में एन 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 ये तीनों न्यूक्लियाई एन 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 है। इधर देखेंगे तो सिनर्जिड्स में भी, सिनर्जिड्स में एन एन यहाँ पर दो सेल्स है हैप्लॉइड, एक भी हैप्लॉइड है एन। लेकिन ये जो सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई है इनमें हम लिखेंगे एन प्लस एन डाइकैरियोटिक फेज। डाइकैरियोटिक मतलब दो न्यूक्लियाई वाली फेज। स्क्रीनशॉट ले लो और आपको अगर इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं बेटा। डन सर। सिंपल है, हाँ बोलो बेटा। नहीं सर, हो गया। ओके, सिंपल है। इसमें थ्री माइटोसिस डिवीजन है लेकिन पहले फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे। ओके, मतलब उनमें पहले कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी, सिंगल सेल में एट न्यूक्लियर वाली कंडीशन बना लेना है, फिर एट न्यूक्लियर बन जाए सिंगल सेल में, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस बताना है। पोल वाले दोनों पोल की तरफ से एक एक न्यूक्लियर सेंटर में आ जाएगा और सेंट्रल सेल में रहेगा। बाकी थ्री थ्री सेल्स दोनों पोल पर दिखाना है, जिसमें से एग एपरेटस की थ्री सेल्स, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग एपरेटस होगा। ओके, मतलब फीमेल गैमेट किधर की तरफ है बेटा? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है या चैलेजल एंड की तरफ है फीमेल गैमेट?
तो पोलन ट्यूब को किधर की तरफ से आना चाहिए? चैलेंजलैंड। चैलेंजलैंड की तरफ से आना चाहिए। पोलन ट्यूब में क्या होता है बेटा? कशिश बोलो। एंथर। पोलन ट्यूब में एंथर होता है? पोलन ग्रेन, सॉरी। पोलन ग्रेन में पोलन ग्रेन होता है पोलन ट्यूब में? मेल गैमेट्स आते हैं ना? हाँ, मेल गैमेट्स आते हैं। तो मेल गैमेट किसके पास में आना चाहिए? फीमेल गैमेट के पास। तो फीमेल गैमेट किधर है? फीमेल गैमेट कौन से एंड पर है? वैष्णवी बोल रही है द लेफ्ट एंड पार्ट। लेफ्ट एंड पार्ट, लेफ्ट हैंड पार्ट विजिबल नहीं है कि लेफ्ट हैंड पार्ट और राइट हैंड? ओके, लेफ्ट हैंड पार्ट ब्लर है सर। नीचे का चापर में एक ओम ऐसा लिखा है, उस एक या ओम लिखा है बेटा, और सिनर्जिस लिखा है। सर स्क्रीनशॉट में वो दिख ही नहीं रहा बराबर। रुको जरा एक मिनट। रुको बेटा एक सेकंड, हाँ सेटिंग करना पड़ेगी उसकी। मैं भेज दूंगा बेटा स्क्रीनशॉट आप लोगों को, ठीक है? सभी ग्रुप पर मैं भेज दूंगा। सेटिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। सबको क्लियर होगा यहाँ तक? मेगास्पोरोजेनेसिस तक कल हम पढ़ेंगे वहां पर डिफरेंट मेगास्पोर से रिलेटेड टर्म्स को। ओके, मेगास्पोरोजेनेसिस में मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट, बायस्पोरिक एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट, इस तरह के टर्म्स हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। यहां पर एक मेगास्पोर से डेवलप हुआ इसलिए इसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट बोलेंगे। फिर लेटर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, गैमेट कैसे ट्रांसफर होगा और फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ये हमारे लेटर के पार्ट है। ओके चल, बाय बेटा, टेक केयर। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बाय, कल मिलते हैं अब।